नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों फेसबुक डिलीट कैसे करें। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो आपका एफबी अकाउंट आप डिलीट करना, दोस्तों आप आसानी से परमानेंट आप डिलीट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को आपको लाइक कर देना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली दोस्तों आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में आपको बेल आइकन दिखाई देगी, इस घंटी पे भी आपको क्लिक कर देना है ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों मेरा नाम है धारा सिंह और आप देख रहे हो टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों हम करते वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको आपका एफबी अकाउंट आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिखाई देगा, यहाँ पर थ्री लाइन यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं थ्री लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। आपको भी यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर दिया, उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके नीचे यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो देन इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोलर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है तीसरे चौथे वाले नंबर पर। उसके बाद में यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर डीएक्टिवेट एंड यहाँ पर डिलीट परमानेंट एफबी अकाउंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है, यहाँ पर डिलीट अकाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पर ऊपर टिक रहेगा, नीचे लगा देना है। चलिए यहाँ पर मैं टिक लगा दिया हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, अकाउंट यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर दिया हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप अपना एफबी अकाउंट किस रीजन के लिए डिलीट करना चाहते हो। सिंपली यहाँ से कोई भी रीजन आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हो डिलीट। चलिए यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ कंटिन्यू टू अकाउंट। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे यहाँ क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एफबी का यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा और सिंपली आपका यूज़र नेम और यहाँ इंटर जो भी आपका एफबी का पासवर्ड है वो डाल देना। चलिए यहाँ पर पासवर्ड मैं इंटर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ क्लिक कर देना आपका एफबी का पासवर्ड डालने के बाद। उसके बाद चलिए यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर कन्फर्म परमानेंट अकाउंट यहाँ पर डिलीट। तो दोस्तों यहाँ पर और नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 दिन से पहले यानी कि दोस्तों 30 दिन के अंदर आपको आपका एफबी अकाउंट आपको लॉग इन नहीं करना, नहीं तो दोस्तों परमानेंट डिलीट नहीं होगा। यहाँ 30 दिन के तक आपको अपना अकाउंट फिर से आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन नहीं करना है। इसलिए दोस्तों नहीं तो अगर आप डालते हैं 30 दिन से पहले तो आपका यहाँ पर परमानेंट अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपना आईडी वापस से एफबी यानी कि लॉग इन नहीं करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट का, यहाँ क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपको भी यहाँ क्लिक। यहाँ पर जैसे मैंने डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर दिया है, उसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ पर एफबी अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा एफबी अकाउंट परमानेंट डिलीट हो चुका है और ऊपर नोटिफिकेशन भी लिखा हुआ आ चुका है कि यानी कि 30 दिन के अंदर आपको वापस से अपना एफबी अकाउंट लॉगिन नहीं करना, नहीं तो दोस्तों परमानेंट डिलीट नहीं होगा। दोस्तों आप इस तरह से आपका फेसबुक अकाउंट परमानेंट डिलीट कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।